वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यदि आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यदि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है, बेसिक कंप्यूटर में कितने तरीके के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ये क्यों यूज किया जाता है, वो सब इस वीडियो में हमें देखना है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम ये जान लेते हैं कि आखिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम क्यों बेसिक कंप्यूटर में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज करते हैं, क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी होगी, सपोज आपने सी सीखी है और आपने उसमें कोई प्रोग्राम बनाया है एडिशन ऑफ टू नंबर का, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें कोई वैल्यू या तो स्कैन कराते हैं या साइन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा वेरिएबल लेते हैं, उसमें दूसरी वैल्यू असाइन कर देते हैं, और एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें आप सम करेंगे, ठीक है। और c इक्वल टू आप लिख देंगे a प्लस बी, और प्रिंट लिख देंगे परसेंट d और ये c। इस तरीके से आपने प्रोग्राम बनाया होगा, ठीक है। फिर आपका कंपाइलर इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। आपको पता है कंपाइलर क्या करेगा, इसे ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। एक्चुअली जो लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा, और कंप्यूटर जिन इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, जिस पे एक्चुअली काम करता है, वो कहलाते हैं माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है। जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है, इनको क्या करते हैं, 1-0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले हमने कंप्यूटर रजिस्टर देखा था, जिसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में बताया था। उस समय मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन कोड हमारा जो है वो फॉर्म में जो है कॉपी होता है, ठीक है, वो रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। तो ये जो है हमारे क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये मेन इंस्ट्रक्शन की बात करती हूँ जो हमारे कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होती है। तो जब ये एरियो को दिया जाएगा ये इंस्ट्रक्शन सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो एरियो इसे कैसे समझेगा माइक्रो ऑपरेशन के रूप में, इसको व्यक्त किया जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमें रखना होगा। ये क्या है हमारे ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब डेटा जिसपे हमें काम करना है, जिसपे कुछ काम या प्रोसेसिंग होने वाली है, वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड कहलाते हैं। और उनके बीच में ये जो साइन लगा हुआ है आपको दिख रहा है प्लस का, ठीक है, ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप कोड। इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशन कोड, ठीक है। तो यहां पे हमें ये बताना पड़ेगा सीपीयू को कि ऑप कोड कौन सा है और ऑपरेंड कौन कौन से है, ठीक है, तभी वो एलयू जो है अपनी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर पाएगा और रिजल्ट जो है मेमोरी में सेव कर पाएगा। और इन्हीं को व्यक्त किया जाता है हमारे इंस्ट्रक्शन, ऊपर ही बता देती हूं मैं, फॉर्मेट के द्वारा। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मेनली जो मेन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा हमारा वो होगा ऑपरेंड, राइट, फिर होगा ऑपकोड, और फिर होगा आई यानी एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड पर भी हम आगे लेक्चर लेकर आने वाले हैं। एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि ये जो हमें ऑपरेंड मिल रहे हैं, हो सकता है ये मेमोरी में हो, डायरेक्ट मेमोरी में हो सकता है ये रजिस्टर में हो, सीपीयू रजिस्टर में हो, या हो सकता है हमें मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो, मतलब मेमोरी लोकेशन के बाद फिर जिस मेमोरी पे जाएंगे उस मेमोरी पे डेटा हो, ठीक है। तो कोई सी भी एड्रेसिंग हो सकती है, अगर कोई सी भी एड्रेसिंग स्कीम हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इमीडिएट, जिसको हम एड्रेसिंग मोड में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वो स्पेसिफाई किया जाता है। तो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो इस तरीके से होता है। अब क्या होगा यहाँ कि ये जो ऑपरेंट है, सपोज आपने इसलिए आई प्लस प्लस, आपकी इंस्ट्रक्शन ये है आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस काउंटर जो है आपके जो है रजिस्टर में जनरली स्टोर होते हैं काउंटर, तो काउंटर मतलब कि जो आपकी अक्यूमुलेटर की वैल्यू है, हो सकता है उसमें इंक्रीमेंट करना हो, उसमें डिक्रीमेंट करना हो, तो कुछ इस तरीके से जब रजिस्टर में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन बन जाएंगे, जब मेमोरी में आपको ऑपरेंट मिलेंगे तो वो मेमोरी रेफरेंस बन जाएंगे, जब इनपुट आउटपुट हो रही होगी आपकी इंस्ट्रक्शन तो वो इनपुट आउटपुट
आउटपुट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बन जाएंगे। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था यदि हमारा जो मेमोरी साइज है 4096x16 है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो कितने बिट डेटा पे ऑपरेट होगा, 16 बिट पे। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो कितने बिट का रहेगा, 16 बिट का रहेगा। ठीक है, तो वहां पर भी हमने यही देखा था 16 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था। अब यहाँ पर तीनों का हमने जो है स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल है वो भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो यहाँ पर अच्छे से पहले समझ लीजिए और कैसे इसको लिखना है वो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया था अभी प्रोग्राम बना के कुछ भी जो आपकी स्कैन कराने वाली वो भी इंस्ट्रक्शन है, जो एलयू के लिए अपन देते हैं प्रोसेसिंग के लिए सी इक्वल टू ए प्लस बी आउटपुट के लिए, सब इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे। ठीक है, और उसी के बेसिस पे टाइप्स के इंस्ट्रक्शन के जो है वो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इसका जो आप देख रहे हैं 0 से 11 बिट मतलब टोटल 12 बिट जो है वो किसके लिए दी गई है, ऑपरेंड के लिए दी गई है, डेटा के लिए दी गई है। यहाँ पे आपको डेटा का एड्रेस मिलेगा। नेक्स्ट जो 3 बिट रहेंगी आपको वो दी गई है ऑपकोड के लिए, मतलब ऑपरेशन कोड के लिए। ऑपरेशन कोड मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ठीक है, या कोई लॉजिकल ऑपरेशन, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो 3 बिट यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें कंप्यूटर को कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दीजिए। और आई फॉर एड्रेसिंग मोड, 1 बिट जो दी गई है एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, 0 फॉर डायरेक्ट एंड 1 फॉर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी, डायरेक्ट आपको मेमोरी पे जाके डेटा मिल जाएगा, या फिर जो एड्रेस दिया गया है, या फिर आपको जो एड्रेस दिया है वो इनडायरेक्ट है, मतलब एड्रेस जो दिया गया है पहले उस एड्रेस पे और पहुंचिए और फिर उसके बाद डेटा लीजिए। ठीक है, तो 0 यदि बिट है तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, आपको डायरेक्ट वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया है जहां डेटा रखा हुआ है। और आई जो 1 है, जो आई की वैल्यू यदि 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, मतलब जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है उस पर डेटा नहीं है, बल्कि आप उस पर जाएंगे पहले फिर उस एड्रेस पे जाएंगे तो फिर हमें डेटा मिलेगा, वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे सपोज एंड, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये बताएगा एंड मेमोरी वर्ड टू एसी, अक्यूमुलेटर में आप जो मेमोरी वर्ड है उसे एंड ऑपरेशन करके दीजिए, लॉजिकल एंड, या फिर एड, या फिर लोड, या फिर स्टोर अक्यूमुलेटर। तो ये सब एग्जाम्पल किसमें आएंगे, हमारे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और इसे इस तरीके से दर्शाया जाता है माइक्रो ऑपरेशन में, एक्यूमुलेटर में एंड कीजिए जो आप मेमोरी स्पेसिफाई कर रहे हैं एड्रेस रजिस्टर के द्वारा उस कंटेंट को, ठीक है, और उसे वापस स्टोर कराइए एसी में। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रो ऑपरेशन अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको और एक्सप्लेन कर लेंगे वहां पर, तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे नंबर पे, हमारा है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो रजिस्टर पे काम हो रहा है, एक्यूमुलेटर पे काम हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल इसका है CLA, क्लियर एसी, क्लियर ई, इनेबल हाल्ट कंप्यूटर, तो ये सब जो डायरेक्ट सीपीयू रजिस्टर पे काम होते हैं वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी 12 बिट जो है वो रजिस्टर ऑपरेशन, क्या करना है, कोई टेस्ट परफॉर्म करना है, कुछ रजिस्टर को क्लियर करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंक्रीमेंट करना है, तो ये ऑपरेशन यहाँ पर दिया जाएगा 12 बिट के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट जो 3 बिट रहेगी इसकी 1-1 रहेगी हमेशा। ठीक है, यहाँ जो ये जो ऑपकोड की बिट है वो रहेगी 00 से लेके 110 तक, इतनी वैल्यू ये रख सकता है इनके बीच की, और ये जो वैल्यू है ये फिक्स रहेगी 111 रजिस्टर रेफरेंस में, और इनपुट आउटपुट में तीनों जो बिट है वो 111 रहेंगी। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो 16वीं बिट है आपकी वो यहाँ पे 0 रहेगी, रजिस्टर रेफरेंस है, जिससे ये पता चलेगा ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में 16वीं बिट जो रहेगी वो 1 रहेगी। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि कौन से टाइप की इंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और इसके एग्जांपल ये हो जाएंगे। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, INP आउट इनपुट कैरेक्टर टू एसी, और आउट आउटपुट कैरेक्टर फ्रॉम एसी। इसके अलावा भी बहुत एग्जांपल हैं इसके, तो यहाँ पर हमें ये देख सकते हैं कि IO ऑपरेशन के लिए भी 12 बिट निर्धारित की गई है,
तो यहाँ पर वन 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 रहेगी तीनों बिट, जैसे कि मैंने अभी बताया था, और फोर भी बिट जो है वन रहेगी, जिससे हमें पता चलेगा ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो ये हुआ हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिक कंप्यूटर का। तो ये हुआ आज हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पहले उसको एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फिर तीनों तरीके के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए, आपको कैसे लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।